Hi guys, it's Shivangi. Welcome back to my channel. So, जैसा कि हम सब लोग जानते ही हैं कि गणेश चतुर्थी आने वाली है. So, I thought of why not giving you all a quick tutorial on how to make your own Ganpati ji. So yeah, without wasting any moment, let's get into the video. So, सबसे पहले मैं एक बेसिक स्केच बनाऊंगी. उसको मैं चारकोल पेंसिल की हेल्प से आउटलाइन करूंगी. तो गणेश जी का फेस बनाने के लिए मैं बेसिक शेडिंग टेक्निक का यूज़ कर रही हूँ. हल्का सा स्केचिंग को आउटलाइन करने के बाद मैं स्मच कर रही हूँ अपने चारकोल को. स्मजिंग के लिए मैं अपने हाथ यूज़ नहीं कर रही हूँ बिकॉज हाथ काफ़ी गंदे हो जाते हैं उससे एंड पेपर भी फिर ख़राब हो जाता है. सो मैं यहाँ पे कॉटन एंड ईयरबड्स का यूज़ कर रही हूँ जिससे कि मेरे हाथ भी गंदे ना हो एंड पेपर भी नीट एंड क्लीन रहे. तो चारकोल स्केचिंग से रिलेटेड मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है. इफ़ यू हैव नॉट वॉच्ड इट येट आप उसे देख सकते हैं. मैं उसका लिंक ऐड कर देती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. बिकॉज अब मैंने एक बेस रेडी कर दिया है इसलिए अब मैं थोड़ा डिटेलिंग पर ध्यान देना स्टार्ट करूँगी जिसमें मैं उनके ऑर्नामेंट्स, गणेश जी के ऑर्नामेंट्स, मुकुट एंड इन सारी चीज़ों पर कॉन्सेंट्रेट करूँगी. सो जितना ज़्यादा मैं इन सब चीज़ों में कॉन्सेंट्रेट करूँगी, जितना ज़्यादा मैं इसमें डिटेलिंग ऐड करूँगी, मेरी ओवरऑल पेंटिंग उतनी ज़्यादा डिटेल्ड और अच्छी लगेगी. सो बनाते हुए मैं एक चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ विच इज़ कि मेरे को फेस को ब्राइट रखना है एंड मैं बैकग्राउंड को थोड़ा डार्क रखूँगी जिससे कि ऐसा इल्यूजन क्रिएट हो कि फेस आगे है एंड बाकी सारी चीज़ें पीछे हैं. सो गणेश जी काफ़ी हद तक डिफाइन हो गए हैं. मैं चूहे को बना रही हूँ एंड उसको भी मैं थोड़ा बेसिक डिफाइन कर दूँगी जिससे कि वी नो द ओवरऑल पिक्चर. मैं बहुत ही हल्के हाथों से एंड कम प्रेशर के साथ चारकोल को अप्लाई कर रही हूँ पेपर पे. बिकॉज अगर मैंने अभी ही बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया, एकदम डार्क कर दिया, तो चारकोल को कंट्रोल करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा. तो चारकोल स्केचिंग में हमेशा धीरे धीरे डार्क की तरफ जाना थोड़ा सेफर ऑप्शन होता है. एंड अब मैं गणेश जी के ऑर्नामेंट्स पे कॉन्सेंट्रेट करूँगी. मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा डिटेलिंग यहाँ पे ऐड कर सकूँ. अब स्मूथ टेक्सचर के लिए मैं वापस से अपने ईयरबड्स एंड कॉटन का यूज़ करूँगी जिससे कि ओवरऑल जो टेक्सचर होता है चारकोल का वो थोड़ा रफ लगता है, बट अगर हम उसे स्मज करेंगे तो पेपर काफ़ी स्मूथ लगेगा एंड स्केचिंग हमारी काफ़ी स्मूथ लगेगी. सो इसके लिए मैं थोड़ा स्मज कर दूँगी. अब मैं थोड़ा और डिटेलिंग पे कॉन्सेंट्रेट करूँगी बिकॉज साइड्स में थोड़ा एम्प्टी लग रहा है एंड आई वॉन्ट कि थोड़ी पेंटिंग भरी हुई लगे, थोड़ी डिटेल लगे. इसके लिए मैं और एलिमेंट्स ऐड कर रही हूँ. सो मैं इरेजर का यूज़ करके भी टेक्सचर्स अप्लाई कर रही हूँ ड्राइंग में जैसा कि आप देख सकते हैं. एंड इट लुक्स वेरी प्रिटी जब चारकोल को हम पूरा स्मश कर देते हैं, उसके ऊपर से अप्लाई करते हैं रबर, तो वो जो पैटर्न्स बनते हैं वो बहुत प्रिटी लगते हैं. सो ड्राइंग को फाइनली चारकोल से कंप्लीट करने के बाद मैं फैब्रिक कलर यूज़ कर रही हूँ. गोल्डन कलर ऐड करते ही एक अलग ही गेटअप आ गया है पूरी स्केचिंग में एंड इट लुक्स वेरी प्रिटी. फाइनली मैं गणेश जी को कंप्लीट कर रही हूँ रेड कलर के टीका के साथ बिकॉज़ उससे अटेंशन एकदम उनके फेस पे जा रहा है.
सो या वंस माय आर्टवर्क इज़ डन आई एम यूजिंग फिक्सेटिव, इससे एक एडिशनल लेयर ऐड होगा विच विल प्रोटेक्ट माय स्केचिंग फ्रॉम एनी डैमेज. Okay guys, so I hope you liked it, and if you like it, don't forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you so much.